हमारे तो भाई यही पैग होते हैं। रीटेक रीटेक प्रोटीन नाल करटीन पावे करी ना यकीन असी घर ही बनाया हुंदा जिम वाला सीन। थोड़ा ब्लॉग्स होने वाला है आज, तो जो सोच रहे हैं नया प्रोटीन क्या लॉन्च हुआ है उसके बारे में बताता हूँ आपको। अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है ये, मैं दूसरी बार पी रहा हूँ। फर्स्ट टेस्ट टेस्ट की वीडियो मैंने बनाई थी वो ये रही। काफ़ी बढ़ गया ऊपर झाग काफ़ी है इसमें। थोड़ी सी इसमें आइस भी ऐड करूँगा एक अच्छे एक्सपीरियंस के लिए। फर्स्ट इम्प्रेशन अमेजिंग सच में। मैं सोच रहा था कि शायद इसका टेस्ट बहुत भद्दा सा होगा, लेकिन टू माई सरप्राइज इट्स रियली टेस्टी। जैसे कि आप समर में कोई ड्रिंक पी रहे होते हो, लेकिन इसकी यही एक ही बात मुझे ख़राब लगी, इसका प्राइस बहुत हाई है, अफोर्ड कर पाना पॉसिबल नहीं है फॉर मेजॉरिटी ऑफ द इंडियन मासेस। मैं यही बोलूँगा कि माई प्रोटीन थोड़ा इसका प्राइस कम कर ले, लेकिन टेस्ट वाइज इट्स ऑसम। जैसे कि इसका नाम है ऑरेंज मैंगो, वैसा ही मुझे टेस्ट आ रहा है। बीच बीच में ऑरेंज का टेस्ट आ रहा है, बीच बीच में मैंगो का टेस्ट आ रहा है, सो यूनिक है। पंजाबी में हमारे बोलते हैं छबील, छबील वर्गा स्वाद है ना, बट स्ट्रॉन्ग छबील। तो इंस्टाग्राम पे मुझे बोल रहे थे कि इंस्टाग्राम स्टोरीज में टेस्ट टेस्ट रिव्यू कर दो, लेकिन मैंने यूट्यूब पे दिखा दिया। डेफिनेटली अगर प्राइस पॉइंट इसका कम होता है तो अच्छा प्रोटीन है, फिर भी अगर आपने ट्राई करना है एक दो बार के लिए ट्राई कर सकते हो। टेस्ट इज़ रियली गुड, यूनिक, रिफ्रेशिंग फॉर समर स्पेशली, लेकिन लॉन्ग टर्म यूज़ नहीं कर पाएंगे लोग इसको बिकॉज काफ़ी एक्सपेंसिव है। इसी के साथ ही आपको बता दूँ 31% ऑफ चल रहा है माई प्रोटीन पे, जो कि सिर्फ आज के लिए वैलिड रहेगा 29th of May, उसके बाद डिस्काउंट कम हो जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करके एंड में जाके 1031 कोड यूज़ कर लेना और आपको 31% डिस्काउंट मिल जाएगा। ये प्रोटीन तो जैसे मैंने कहा मासेस के लिए नहीं है आप, लेकिन दूसरा जो हम नॉर्मल यूज़ करते हैं इम्पैक्ट वे आइसोलेट या कंसनट्रेट, वो डेफिनेटली यूज़ कर बाय कर सकते हो चीप प्राइस पे। 31% ऑफ जनरली बहुत कम मिलता है। चलो भाई मेरे प्रोटीन का बंदोबस्त हो गया, इसको भी दे देते हैं प्रोटीन। खाएगा खाएगा, ये ले आजा 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 कम ऑन। यार बारिश पड़ रही है, इसको बाहर भी नहीं घुमाने लेके जा सकता, अंदर ही पोटी करेगा आज ये। तो थोड़ा लैपटॉप के बारे में बता के बोर करने वाला हूँ। दिस इज द लैपटॉप विच आई टॉक्ड अबाउट। सो ये मैंने रिसेंटली लिया है, मॉडल नंबर इज MSI GP75। इस टाइम वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप है ये, चाहे आपको एडिटिंग करनी है या गेमिंग करनी है। मैंने GTA 5 चलाई, इस पर मस्त चलती है, और एक दो और गेमें हाई एंड चलाई, बहुत स्मूथ चलती हैं बिकॉज इसमें RTX ग्राफिक कार्ड है जो कि काफ़ी हाई एंड होता है। और इसका प्राइस मुझे पड़ा है 1.3 lakhs। मैंने चंडीगढ़ से इसको बाय किया है जाके वहाँ पे। इससे पहले मैं ASUS का यूज़ कर रहा था 2018 से, वो मैंने मार्च में बाय किया था 2018 मार्च में। ये रहा, ये मैंने 6-pack का लोगो लगा रखा है यहाँ पे। तो इसमें ये मैंने लिया था उस टाइम पे 65,000 का। इसका फैक्टर मुझे क्या अच्छा लगा था कि बहुत लाइट वेट है ये, सिर्फ 1.7 kg है। ट्रैवलिंग के टाइम में बहुत ईजी रहता है इसको कैरी करना, बहुत थिन है। और लेकिन इसमें क्या दिक्कत आ रही थी कि अब अगर मैं लंबी वीडियो बनाता हूँ, कोई 10 मिनट की वीडियो, या किसी वीडियो में इफ़ेक्ट्स ज़्यादा लगाता हूँ, आप देखते हो कि थोड़ा बहुत काफ़ी सारी इमेजेस आ रही हैं, काफ़ी टेक्स्ट आ रहे हैं, थोड़े बहुत ट्रांजिशन लग रही हैं, या कलर ग्रेडिंग हो रही है जो एडिटिंग करते हैं उनको पता होगा, तो उसमें ये हैंग हो जाता था प्रीमियर प्रो सॉफ्टवेयर मेरा और क्रैश कर जाता था। और 2015 तक का प्रीमियर प्रो चलता था इसमें, उससे ज़्यादा एडवांस चालू तो ये हैंडल नहीं कर पाता था, लाइक 2019 या 20। इसलिए मैं इससे फ्रस्ट्रेट हो गया था और मैंने दूसरा बाय किया अभी रिसेंटली, ठीक है। लेकिन इसमें तो यार अगर स्पीड की बात करूँ, दिस इज़ रियली ऑसम। लास्ट वीडियो जो मैंने बनाई थी अपनी साइड फैट वाली, वो 5 मिनट की वीडियो, कैन यू बिलीव इसने 50 सेकंड में रेंडर कर दी। आई वॉज अमेज्ड, इतना पावरफुल है। अगर यही सेम वो वीडियो इस लैपटॉप से करता तो वो इसने अराउंड 10 मिनट ले लेने थे,
10 मिनट वर्सेस 50 सेकंड्स, लुक एट द पावर। और उस टाइम मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी, मतलब दो साल पहले यह था, बिकॉज मैंने वीडियोस देखी, रिसर्च किया, ये वो, उसके हिसाब से ठीक था, लेकिन इतनी ही लाइफ थी दो साल के बाद। अभी नॉर्मल एडिटिंग अगर आप करना चाहो, कट पेस्ट और थोड़ा बहुत टेक्स्ट, चल जाएगा, इससे चल जाता है इजीली काम। लेकिन अगर मुझे कोई इफेक्ट लगाने हैं, कलर ग्रेडिंग करनी है, कलर को उठाना है, तो वो काम नहीं हो पाता था, क्रैश कर जाता था। और मैंने ये भी बात देखी कि यूट्यूब पे जो एजुकेशनल वीडियोज़ बनाती हैं लोग बनाते हैं, टेक्निकल चैनल पे भी, वो भी ऐसे जैसे फिटनेस में हमारे क्लिक बेट करते हैं लोग, या गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, टेक चैनल्स भी गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, ऐसी वीडियोस बना के कि बेस्ट लैपटॉप अंडर 30,000 फॉर एडिटिंग, बेस्ट लैपटॉप अंडर 40,000 फॉर एडिटिंग, वो सब मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन है, जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते उनको खुश करने के लिए। मैं ये बोलता हूँ, आप थोड़ा सा ज़्यादा इन्वेस्ट करो, लेकिन सही चीज़ लो, ये ना हो कि सस्ते के चक्कर में आप जो काम करना चाहते हो, एडिटिंग के लिए हैवी लैपटॉप लगता है डेफिनेटली, ठीक है, कि वो रह जाए। आज की डेट में बात करूं तो 80,000 से कम का लैपटॉप नहीं आएगा जो ठीक, जो अच्छी स्पीड से एडिटिंग कर पाए, ठीक है, तो इंडियन प्राइस बता रहा हूं। तो ब्लाइंडली यूट्यूब को ट्रस्ट मत किया करो, कोई भी वीडियो बना रहा है किसी भी फील्ड में, हो सकता है सिर्फ वो अपनी वीडियो बनाने के चक्कर में कर रहा हो, उसको आपसे लेना देना नहीं है कि आपका चाहे नुकसान हो जाता है, ये वाला लैपटॉप बाय कर लो, चाहे वो एडिटिंग, देखो बेसिक लैपटॉप का काम करना है वो कर देगा, ठीक है, MS Excel चलाना है, YouTube देखना है, वो काम हो जाएगा, लेकिन एडिटिंग के लिए हाई एंड चाहिए होता है, या गेमिंग के लिए हाई एंड चाहिए होता है। यू डोंट वॉन्ट टू गेट फ्रस्ट्रेटेड कि मैंने क्या ले लिया है, तो बहुत स्लो कर रहा है, तो क्रैश हो रहा है ना, तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा पैसा ला के इन्वेस्ट करो, फिर बाय करो। फ्लिपकार्ट में भी ये अनअवेलेबल था, वहाँ पे इसका प्राइस 1.2 लाख था, 10,000 पे ज़्यादा देके मुझे लेना पड़ा, लेकिन कुछ लोग इसको 1.5 लाख का भी बेच रहे थे स्टोर पे, ठीक है, सो आई गॉट अ गुड डील, 20,000 लेस मैं बोलूँगा। डेस्कटॉप अगर आप लेते हो डेफिनेटली आपको चीप पड़ता है, लेकिन ये मैं कहीं भी कैरी कर सकता हूँ। और इसकी सबसे मस्त बात पता क्या है, 17-inch स्क्रीन में एडिटिंग करना बहुत मज़ेदार लगता है, ठीक है, मतलब ईजिली दिखता है, साफ दिखता है। ये अराउंड 2.6 kg है, अराउंड 900 ग्राम ज़्यादा मेरे पिछले लैपटॉप से। कुछ लोग बोल रहे थे एप्पल ले लेते, भैया एप्पल ही है, एप्पल ही है, अरे यार एप्पल से ज़्यादा हैवी एडिटिंग कर सकता है ये, ठीक है, एप्पल वो चीज़ें नहीं करता जो ये कर सकता है। सो यूट्यूबर हो, अगर आप बडिंग यूट्यूबर हो, इस वीडियो को देख रहे हो, तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दिस वन। इससे एक सस्ता मॉडल भी आता है, उसमें ग्राफिक कार्ड देखना 1650 Ti होगा, वो लेना, वो एक अच्छा ग्राफिक कार्ड है अगर आपका थोड़ा बजट कम है तो, लेकिन इससे कम मत जाना, 1650 Ti से नीचे मत जाना ग्राफिक कार्ड, ठीक है। मैंने पहली बार ऐसी अपनी कोई चीज़ दिखाई, होप मैंने आपको बोर नहीं किया होगा, आज तक मैंने कभी अपना कैमरा वैमरा या माइक ये सब चीज़ें नहीं दिखाई, पहली बार दिखाई। सो फाइनली गाइस, एंड पार्ट ऑफ द वीडियो, जो आपको ट्रेलर दिखाने वाला हूँ, चैनल का अपडेट हुआ है। ट्रेलर जनरली पहले चलता है, लेकिन आज की वीडियो में एंड पे चलेगा, और ख़त्म होते ही आप बताना अगर चैनल को प्यार करते हो, कैसा लगा ये नए चेंजेस ट्रेलर में, ठीक है। एंड आई वॉन्ट टू गिव शाउट आउट टू राहुल गुंड फ्रॉम मुंबई, जिसने ये ट्रेलर को चेंज किया, इसमें जान डाल दी, और जान डाल दी बहुत सारी, थैंक यू वेरी मच। चेक आउट हिज इंस्टाग्राम आल्सो, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, अगर ऐसा कुछ आपको काम करवाना है तो प्लीज़ चेकआउट करो उसको, और उसको काम ऐसा दो। ऐसी वीडियोस बनाता नहीं हूँ, आज पहली बार बना रहा हूँ, आज करता हूँ, आपको अच्छी लगी होगी बता देना, अच्छी लगी है बुरी लगी। और फाइनली चैनल को प्यार करते हो तो ट्रेलर के बारे में ज़रूर कमेंट करना, ये आने वाला है ट्रेलर, कैसा लगा आपको। 3, 2, 1, गो। Nothing can stop me, I'm all the way up.